नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीटी क्लास पे। दोस्तों, हमने राजस्थान भूगोल के चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ा था। उसके बाद हमने शुरू किए थे राजस्थान के भौतिक भाग। अब तक हमने राजस्थान के भौतिक भाग के 4 पार्ट देखे हैं। आज आपके सामने है राजस्थान भौतिक भाग पार्ट 5। और दोस्तों, आज जो आपका भौतिक भाग है वो है आपका मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी कि दोस्तों, हमने अभी तक राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग था, जिसको आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, उनको कंप्लीट कर लिया है। आज आपका राजस्थान का भौतिक भाग का दूसरा भाग है, वो है आपके सामने मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला भाग 01 आज हम लेंगे, तो शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के भौतिक भाग शुरू किया था। राजस्थान के भौतिक भागों को हमने 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग हमने देखा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा देखा मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा देखा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, चौथा देखा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसमें हमने देखा दोस्तों, जो आपके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो आपके शेष मरुस्थल को राजस्थान से अलग करती है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर हमने उत्तरी पश्चिम मरुस्थल लिया था और उसमें हमने 2 भाग पढ़े थे। कौन कौन से? शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करने वाली जो रेखा थी दोस्तों, वो थी आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर हमने शुष्क मरुस्थल पढ़ा था। शुष्क मरुस्थल को भी हमने 2 भागों में बांटा था। पहला था बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिसे आपके पथरीला क्षेत्र या हमादा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा पढ़ा था हमने बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, जो कि आपके शुष्क मरुस्थल का 58.5% था, ठीक है। उसके बाद में हमने अर्धशुष्क देखा था। अर्धशुष्क मरुस्थल, उसमें हमने 4 भाग पढ़े थे। कौन कौन से? गग्गर बेसिन, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और उसके बाद पढ़ा था हमने लूणी बेसिन। ऐसे करके दोस्तों, आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कंप्लीट होता है। अगर आपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं पढ़ा है, अगर नहीं देखा है, तो दोस्तों वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो आप पीछे वापस एमबीटी क्लास पर जाकर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को कंप्लीट देख सकते हैं। तो आज हम लेंगे मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, ये है आपका राजस्थान। हमने देखा था सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र ये आपका यहाँ पे था, ठीक है। ये आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। अब इसके बाद आता है भाग मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे बात पहले शुरू होती है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में कहां से कहां तक फैली हुई है। दूसरी बात, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है और खत्म कहां पे होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेंगे अरावली पर्वतमाला शुरू कहां से होती है। तो अरावली पर्वतमाला शुरू होती है आपके गुजरात राज्य से। कहां से शुरू होती है? गुजरात राज्य से। तो दोस्तों, गुजरात में आपके एक पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी। कौन सी? गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी से आपकी, एक मिनट, ये आपकी गिरनार पहाड़ी से शुरू होती है, ठीक है। फिर आपके राज्य में सिरोही जिले से प्रवेश करती है। फिर आपके सीकर जयपुर होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। कहां पर जाती है? दिल्ली तक। दिल्ली में एक पहाड़ी है रायसीना हिल्स, जहां पर आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कौन सा? रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, रायसीना हिल्स, ठीक है। और इधर यहां पर कौन सा गांव है, कौन सी पहाड़ी है? गिरनार पहाड़। तो गुजरात में स्थित है गिरनार पहाड़ी, और ये गिरनार पहाड़ी है दोस्तों आपके गिरनार गांव में स्थित है। कहां पे है? गिरनार गांव, ठीक है दोस्तों। गिरनार गांव कहां पे है? तो दोस्तों, गिरनार गांव है आपके खेड़ बर्मा में। कहां पे है? खेड़ बर्मा। अब पूछा जाता है खेड़ बर्मा कहां पे है? तो दोस्तों, खेड़ बर्मा पड़ता है आपके पालनपुर में। पालनपुर गुजरात का एक जिला है, उसमें आपके खेड़ बर्मा आता है, ठीक है। और पालनपुर है आपके गुजरात में, गुजरात। तो सबसे पहले पॉइंट आगे अपना कि अरावली पर्वतमाला जो शुरू कहां से होती है। तो दोस्तों, वो शुरू होती है गिरनार पहाड़ी, गिरनार गांव, खेड़ बर्मा, पालनपुर गुजरात से। गिरनार आपके अरावली पर्वत श्रृंखला शुरू होती है। सिरोही, जालौर, उदयपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर आगे चलते हो आपके सीकर जयपुर से होकर हरियाणा जाती है। हरियाणा से जाती है आपके दिल्ली। दिल्ली में पहाड़ी है रायसीना हिल्स। कौन सी है? रायसीना हिल्स, जहां पर आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कौन सा? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। यानी कि राष्ट्रपति भवन आपके कहां पर बना हुआ है? रायसीना हिल्स पर। जो रायसीना हिल्स किसके अंदर आती है? आपके अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर।
तो कहां से फैली हुई है? गिरनार पहाड़ी, गिरनार गांव, खीर बर्मा, पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये पॉइंट लिख दीजिए पहले, ठीक है, मैं मैप भी बता रहा हूं। तो दोस्तों ये है आपकी अरावली बॉर्डर श्रृंखला। इसके बारे में हमने थोड़ा सा नॉर्मल सा पढ़ा था जब हमने भौतिक भाग स्टार्ट किए थे। तो हमने देखा था दोस्तों अरावली पर्वतमाला में आपकी जो औसत वर्षा होती है वो होती है आपके 50 से 90 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर तो औसत वर्षा होती है। कहां पे होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला में। यहां पर उप आद्र जलवायु पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? उप आद्र जलवायु पाई जाती है, ये भी याद रखना। उसके बाद देखा था दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान के कुल भौतिक भाग का 9.3% हिस्सा है। कितना? 9.3% भाग पर आपके अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया दोस्तों शुरुआत कहां से होती है, अरावली पर्वतमाला शुरू कहां से होती है, गुजरात से शुरू होती है, खत्म कहां पे होती है, दिल्ली होती है। अब बात आती है दोस्तों कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अरावली की सुदूर दक्षिणतम जड़ कौन सी है। मैं यहां पे लिख देता हूं सुदूर दक्षिणतम जड़। अरावली की सुदूर दक्षिणतम जड़ कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों वो शुरू होती है आपके अरब सागर से। कहां से शुरू होती है? अरब सागर से। तो अरावली की सुदूर दक्षिणतम जड़ है कहां से प्रारंभ होती है? अरब सागर से। इस कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली की जो सुदूर दक्षिणतम जड़ है वो कहां से प्रारंभ होती है? अरब सागर से प्रारंभ होती है, जो आपके गुजरात से होते हुए राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई। तो दोस्तों पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है? तो दोस्तों 3 राज्य है प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 3 राज्य कौन कौन से है? गुजरात, सबसे पहले ये हो गया आपके गुजरात, दूसरा हो गया आपके राजस्थान और तीसरा हो गया आपके हरियाणा। हरियाणा के बाद दिल्ली है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 तो राज्यों में फैली हुई है और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। चलो चलते हैं आगे दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला है ये आपके विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला तो दोस्तों वो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो याद रखना दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली श्रृंखला है। और दोस्तों इसके ही समकालीन है आपकी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अरावली के समकालीन कौन सी है? अपलेशियन, जो कि आपके यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। अरावली के समकालीन है जो कि आपके यूएसए में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तीसरी जो आपकी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी विंध्याचल। पहली तो अरावली होगी, दूसरी होगी अपलेशियन। अपलेशियन लगभग अरावली के समकालीन है, ठीक है। और तीसरी सबसे प्राचीनतम जो आपकी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वो है आपकी विंध्याचल। कौन सी है? विंध्याचल, जो कि आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये विश्व की 3 प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अरावली की उत्पत्ति कब हुई। अरावली की उत्पत्ति दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो अरावली की उत्पत्ति है आपके 360 मिलियन वर्ष पूर्व हो गई थी। कितने? 360 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत पहले हो चुकी है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 3.6 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले उत्पत्ति लिख रहा हूं ये, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब हुई है? तो दोस्तों या तो कह सकते हो 360 मिलियन वर्ष पूर्व, या कह सकते हो आपके 3.6 अरब वर्ष पूर्व आपके अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हो चुकी। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला का जो उत्पत्ति काल है कौन सा काल है? उत्पत्ति काल, तो यहाँ पे लिख दीजिए अरावली पर्वत, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति काल। उत्पत्ति का समय तो हमने देखा था, समय कितना देखा था? समय हमने देखा था लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। और दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला का जो उत्पत्ति काल है वो है आपका प्री कैम्ब्रियन कल्प काल। कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन, प्री
कैम्ब्रियन कल्प काल में आपके अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला है ये आपके पहले एकदम घुमावदार और मोड़दार और वलित पर्वत श्रृंखला थी। कैसी थी? मैं पीछे थी लगा रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब अब नहीं है। अरावली एक, ठीक है, अरावली क्या है? अरावली एक पहले कैसी श्रृंखला थी? तो लिखिए वलित, वलित मोड़दार, मोड़दार और घुमावदार, और घुमावदार पर्वत श्रृंखला थी। यहां पर थी का क्या मतलब है दोस्तों? कि अरावली पर्वत श्रृंखला है जो वलित मोड़दार और घुमावदार पर्वत श्रृंखला थी। मतलब दोस्तों ये पहले आपके नवीन थी, वलित भी थी और मोड़दार घुमावदार पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन वर्तमान में ये अब नहीं रही है। अब तो दोस्तों आपके अवशिष्ट है। कैसा है? अवशिष्ट है, घर्षित कह सकते हैं, अपरदित कह सकते हैं। तो वर्तमान में जो आपके अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी है, तो लिख दीजिए वर्तमान में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, वर्तमान में जो आपके अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी है, तो लिख दीजिए अवशिष्ट। कैसी है? अवशिष्ट, या फिर कह सकते हो घर्षित, या फिर अपरदित कह सकते हो, अपरदित। तो अरावली पर्वत श्रृंखला वर्तमान में आपके अवशिष्ट, घर्षित और अपरदित पर्वत श्रृंखला है। इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? पहले तो कैसी थी? आपके वलित थी, मोड़दार थी और घुमावदार पर्वत श्रृंखला थी। ठीक है, वलित का मतलब है नई, जो कहने का मतलब बढ़ रही थी, नई कहने का मतलब और ऊपर उठ रही थी, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति नहीं रही इसकी। ठीक है, वो अब अवशिष्ट के रूप में है, घर्षित है और अपरदित है। घर्षित और अपरदित का मतलब है दोस्तों जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, आपके वायु के कारण अब जो घर्षित हो रही है, ठीक है, इस कारण ये आपके आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो अवशिष्ट, घर्षित और अपरदित पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला वर्तमान में। तो इसका प्रमुख कारण क्या है अवशिष्ट का? तो दोस्तों इसका सबसे प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है वायु। वायु के कारण ये आपके अपरदित, अवशिष्ट और घर्षित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अरावली की कुल लंबाई कितनी है। अरावली की लंबाई, अरावली की कुल लंबाई, अरावली शुरू कहां से होती है? तो हमने देखा अरावली है जो आपके गिरनार पहाड़ी, गिरनार गांव, खेड़ बर्मा, पालनपुर, गुजरात से शुरू होती है। ठीक है, और खत्म होती है आपके रायसेना हिल्स, दिल्ली, जहां पर आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो कुल लंबाई है वो है आपके 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, राजस्थान, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है दोस्तों वो है आपकी 550 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, और राजस्थान में है 550 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों 692 के अगर संदर्भ में देखा जाए, जो आपकी 550 किलोमीटर है ये आपके 692 का लगभग 80% है। कितना है? 80%। यानी कि अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है 80% आपके राजस्थान के अंदर है, और 20% है जो आपके अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई आपके 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है आपके 930 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके अरावली पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा परिचय। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अरावली की सर्वोच्च चोटियों के बारे में। किन के बारे में? चोटियों के बारे में। एडिंग लगाइए, अरावली की सर्वोच्च चोटियां। ठीक है, अरावली की जो मुख्य मुख्य चोटियां हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अरावली की जो आपकी सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर है दोस्तों आपके सिरोही जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? सिरोही जिले। ठीक है, गुरु शिखर है राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, राजस्थान की या अरावली की कह सकते हैं। तो दोस्तों अरावली की या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर आपके सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों आपके जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी अन्नाई मुड़ी। कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। और दोस्तों उत्तरी भारत की जो सर्वोच्च चोटी है
वो आप कह सकते हैं K2 या गॉड विनाष्टी ने, ठीक है, और दूसरी आपकी कंचनजंगा, ठीक है। तो दोस्तों वो हिमालय और दक्षिणी भारत की जो अन्य मुड़ी है उनके मध्य आपके भारत में जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर, ठीक है। यानी कि मध्य भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है आपकी गुरु शिखर है, और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है गुरु शिखर है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है आपके 1722 मीटर, कितनी है 1722 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कभी कभी 1727 दे रखा होता है इसका क्या कारण, 1727 मीटर दे रखा होता है इसका क्या कारण। तो दोस्तों इसका कारण मैं बता दूं आपको, जो आपके गुरु शिखर चोटी है इसके आपके चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर है वो मंदिर है आपके दत्तात्रेय जी का, दत्तात्रेय जी का मंदिर, ठीक है। तो दोस्तों ये दत्तात्रेय जी का मंदिर आपके गुरु शिखर चोटी पर बना हुआ है, इसकी ऊंचाई है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। तो दोस्तों 1722 प्लस 5 यानी कि टोटल 1727 मीटर। तो दोस्तों कभी कभी इन मंदिर की ऊंचाई भी इसमें शामिल कर दी जाती है, इस कारण कहीं कहीं जगह आपके 1727 मीटर दे रखी है। अगर पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी कि दत्तात्रेय जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दत्तात्रेय जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है गुरु शिखर चोटी में, सिरोही या माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पे, सिरोही में है, ठीक है। तो दत्तात्रेय जी का मंदिर का भी याद रखना है, दत्तात्रेय जी मंदिर की ऊंचाई भी याद रखनी है, और गुरु शिखर की दोनों ऊंचाइयां याद रखनी है 1722 और 1727। पहले ऑप्शन अगर 1722 दे रखा है तो 1722 सही होगा, अगर दोनों दे रखे हैं तो, अगर दोनों में से कोई एक दे रखा है तो वो एक राइट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं राजा जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, प्रथम तो हो गई गुरु शिखर, दूसरी चोटी है दोस्तों आपकी सैर, सैर चोटी। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सैर, सैर भी आपके सिरोही जिले में स्थित है, कहां पे स्थित है सिरोही जिले। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1597 मीटर, कितनी है 1597 मीटर। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। प्रथम कौन सी है, यह है आपकी प्रथम ऊंची चोटी राज्य की, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो अरावली की। अब बात करते हैं तीसरी ऊंची चोटी, तीसरी ऊंची चोटी राज्य की है दोस्तों दिलवाड़ा, कौन सी है राज्य की तीसरी से ऊंची चोटी दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी आपके सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है आपकी 1442 मीटर, 1442 मीटर, और ये आपकी तीसरी सर्वोच्च चोटी। तीन सर्वोच्च चोटियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने देखा कि आपके राज्य की जो तीन सर्वोच्च चोटियां है किस जिले में स्थित है, तो तीन सर्वोच्च चोटियां आपके देख लो दोस्तों आपके सिरोही जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका मतलब आपके राज्य में जो सर्वोच्च ऊंचाइया है अरावली की वो किस जिले में है, तो यहां पर नॉट लगा के लिख दीजिए, नॉट क्या लिखोगे कि राज्य में या राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाइयां किस जिले में है, तो दोस्तों राज्य में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई आपके सिरोही जिले में है। कहां पे, सिरोही जिले में, क्योंकि दोस्तों आपके सर्वोच्च चोटियां सर्वाधिक किस जिले में स्थित है, राजस्थान की सिरोही जिले में। देख लो गुरु शिखर भी आपके सिरोही जिले में स्थित है, शहर भी सिरोही जिले में स्थित है, और दिलवाड़ा भी आपके सिरोही जिले में स्थित है, जो कि राज्य की तीन प्रमुख या प्रथम तीन सर्वोच्च चोटियां। तो राज्य में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, सिरोही जिले। अब बात करेंगे हम चार नंबर चोटी या चौथी चोटी के बारे में। तो दोस्तों चौथी चोटी है आपकी जरगा चोटी, जरगा चोटी है आपके उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपके 1431 मीटर। दोस्तों जरगा चोटी है आपके उदयपुर में स्थित है, और दोस्तों ये चोटी आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो देख लीजिए इसकी ऊंचाई भी याद रखना, इसका जिला भी याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, क्या पूछा जाएगा, उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। क्योंकि दोस्तों उदयपुर जिले में आपके बहुत सारी चोटियां है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है, ठीक है, उसके अलावा आपके धोनिया है, धोनिया भी आपके उदयपुर में है, ठीक है, जरगा भी उदयपुर में है। तो एक क्वेश्चन फिक्स बनेगा यहाँ से,
कि उदयपुर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जरगा चोटी है, जो कि आपके राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके आगे लिख दीजिए उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी, उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पांचवी है दोस्तों आपके अचलगढ़, कौन सी है पांचवी? अचलगढ़, अचलगढ़ है आपके दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है अचलगढ़ चोटी। यहां पर आपके अचलगढ़ का किला भी बना हुआ है, जो आपके राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, 1380 मीटर। छठी चोटी है दोस्तों आपके कुंभलगढ़ है दोस्तों, ये आपके राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद, ठीक है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपके 1224 मीटर, 1224 मीटर। सातवीं चोटी है दोस्तों आपकी धोनिया है आपके उदयपुर। धोनिया कहां पे है आपके? उदयपुर। आठवीं चोटी है दोस्तों आपके रघुनाथगढ़। ये चोटी है दोस्तों क्रम वही है, ठीक है नहीं, ऊंचाइयों के हिसाब से मैंने रखा है। जैसे आठवीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आठवीं सबसे ऊंची चोटी आपकी रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है? रघुनाथगढ़ आपके सीकर जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1055 मीटर, कितनी है? 1055 मीटर। दोस्तों रघुनाथगढ़ चोटी इंपोर्टेंट चोटी है, स्टार लगा दीजिए यहाँ पे। इंपोर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि रघुनाथगढ़ चोटी है आपके राजस्थान की सबसे ऊतरी चोटी है। तो पूछा जाता है ऊतरी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऊतरी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, तो दोस्तों ऊतरी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी आपके रघुनाथगढ़। तो याद रखना ऊतरी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी आपके रघुनाथगढ़ है, जो कि आपके सीकर जिले में स्थित है, ठीक है। इसके आगे दोस्तों नवीं चोटी है आपके ऋषिकेश, ये उत्तराखंड वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये ऋषिकेश है आपके सिरोही में स्थित है, कहां पे? सिरोही में। तो ऋषिकेश चोटी आपके कहां पर स्थित है? सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई है लगभग 1017 मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी दसवीं चोटी है कमलनाथ, ठीक है। कमलनाथ है आपके उदयपुर में, कमलनाथ कहां पे है? उदयपुर में। और दोस्तों इसकी ऊंचाई बरोबर 1001 मीटर है, कितनी? 1001 मीटर। अगली चोटी के बारे में देखेंगे, अगली चोटी है दोस्तों आपके सज्जनगढ़, कौन सी है? सज्जनगढ़ चोटी दोस्तों आपके, जहां पे आपके सज्जनगढ़ का दुर्ग भी बना हुआ है, और सज्जनगढ़ आपके उदयपुर में स्थित है, कहां पे? उदयपुर में, ठीक है। सज्जनगढ़ चोटी की ऊंचाई है दोस्तों आपके 938 मीटर, ठीक है। इसके अलावा कुछ चोटियां और है जिनमें से मैं आपको इंपोर्टेंट ऊंचाई है वो बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी मोरमजी, कौन सी चोटी आती है? मोरमजी है, ये आपके अजमेर में स्थित है। इसको आपके टॉटगढ़ चोटी कहा जाता है, टॉटगढ़ चोटी कहो या मोरमजी कहो, दोनों एक ही है। ये आपके अजमेर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग है 934 मीटर, ठीक है। इसके बाद तेरहवीं चोटी आती है दोस्तों आपके खो, कौन सी चोटी आती है? खो है आपके जयपुर में स्थित, कहां पे स्थित है खो चोटी? जयपुर जिले में। खो चोटी की ऊंचाई है लगभग 920 मीटर, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी सायरा की गुफा भी है और सायरा चोटी भी है, ये आपके दोनों उदयपुर में स्थित है। सायरा गुफा कह सकते हो या सायरा चोटी उदयपुर में स्थित है, ठीक है। सायरा की ऊंचाई है दोस्तों एकदम 900 मीटर, कितनी है? पूरी 900 मीटर। पंद्रहवीं चोटी देखिए दोस्तों तारागढ़ कहां पे है? तो तारागढ़ है अजमेर, ठीक है। और तारागढ़ अजमेर इसकी है आपके लगभग 873 मीटर। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए मध्य, जो आपके कहने का मतलब मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप क्या आंसर दोगे? मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, दोस्तों मध्य अरावली का जो आपका जिला है वो है अजमेर। अजमेर में दो चोटियां देखी हमने, तारागढ़ अजमेर और दूसरी मोरमजी या टॉटगढ़। तो मध्य आपके अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो है आपकी टॉटगढ़ चोटी, कौन सी है? टॉटगढ़ चोटी, क्योंकि टॉटगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है 934 मीटर है, जबकि तारागढ़ की कितनी है? 873 मीटर। सोलहवीं चोटी लिखी है दोस्तों बिल्लाली, कौन सी चोटी? बिल्लाली चोटी आपके अलवर जिले में स्थित है, कहां पे? अलवर जिले में।
इसकी ऊंचाई लगभग 775 मीटर है, ठीक है। और लास्ट चोटी लिख दीजिए रोजा भाकर, रोजा भाकर, रोजा भाकर है दोस्तों, ये आपके जालौर जिले में स्थित है। कहाँ पे? जालौर जिले। तो दोस्तों ये थी आपकी अरावली की सर्वोच्च चोटियां, जो आपकी 17 17 जो आपके मेन मेन चोटियां थी सर्वाधिक ऊंचाई वाली, वो आपकी मैंने लिखवा दी। तो दोस्तों अब चोटियों को कैसे याद करना है आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, कैसे 17 चोटियां तो लिखवा दी, अब इसको याद कैसे करें, तो चलो इनके बारे में ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों ट्रिक लिखिए गुरु से, क्या लिखोगे? गुरु से जरा, गुरु से जरा आशा रखो, आशा रखो। गुरु से क्या रखो? गुरु से यहां पे लिख दो दिल से, कैसे? गुरु से दिल से, गुरु से दिल से जरा, दिल से जरा आशा रखो, आशा रखो कुंभा, आशा रखो कुंभा। तो पहली ट्रिक तो ये हो गई आपके, गुरु से दिल से आशा रखो, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों गुरु से हो जाएगी आपके गुरु शिखर, क्या हो जाएगी? गुरु शिखर, ठीक है। से हो जाएगी आपके सैर चोटी, दिल से हो जाएगी आपके दिलवाड़ा चोटी, दिलवाड़ा। ये तीनों के तीनों आपके सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। तो और से है ये आपका साइलेंट रह जाएगा। जरा से हो जाएगा आपकी जरगा, जरा से कौन सी चोटी हो जाएगी? जरगा, जो कि आपके उदयपुर की सर्वोच्च चोटी है और राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आशा रखो से हो जाएगा आपके अचलगढ़, आशा से क्या हो जाएगा आपके? अचलगढ़, अचलगढ़, ठीक है। और रखे आपका साइलेंट हो जाएगा, और कुंभा से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़, क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, ठीक है। तो प्रथम ट्रिक तो ये हो गई। दूसरी याद रखना दोस्तों, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, क्या याद रखोगे? रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। दोस्तों ये ट्रिक मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है सर्वोच्च चोटियों के हिसाब से, ठीक है। तो सर्वोच्च चोटियों के हिसाब से आपको क्रम याद रखने का ये एक जरिया है, ठीक है। तो रघुनाथ, रघुनाथ से हो जाएगा आपके रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है। ऋषि से हो जाएगा ऋषिकेश, रघुनाथगढ़ आपके सीकर में है, और ऋषिकेश, ऋषिकेश है आपके सिरोही में, ऋषिकेश कहाँ पे है? सिरोही में, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? कमलनाथ, कमलनाथ चोटी, कमलनाथ चोटी कहाँ पे है? कमलनाथ है आपके उदयपुर में। सज्जन से हो जाएगा आपके सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ पे है? सभी को पता है सज्जनगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में। और मोर से हो जाएगा आपके मोरमजी या टॉडगढ़, मोरमजी, मोरमजी को क्या कहा जाता है? टॉडगढ़, जो कि आपके अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चोटियां, ट्रिक हो गई। अब लास्ट ट्रिक देख लीजिए, ठीक है, दो ट्रिक हो गई। तीसरी ट्रिक देखिए, तीसरी ट्रिक में लिखिए दोस्तों खो में, कहां पे? खो में, सात बोली, कितनी बोली? सात बोली, खो में सात बोली रोज बोले, खो में कितनी बोली रोज बोले? सात बोली, ठीक है। तो खो से हो जाएगा आपके खो, खो चोटी कहां पे है? तो खो चोटी है आपके जयपुर जिले, ठीक है। सात से हो जाए, मैं इसको साइलेंट कर दो, ठीक है। सात से हो जाएगा आपके सायरा गोपा, सायरा कहाँ पे है? सायरा उदयपुर में है। और त से हो जाएगा तारागढ़, त से क्या हो जाएगा? तारागढ़ चोटी, तारागढ़ चोटी अजमेर जिले में स्थित है। बोली से हो जाएगा बिलाली, बोली से क्या हो जाएगा? बिलाली, बिलाली चोटी कहाँ पे है? बिलाली आपके अलवर जिले में स्थित है। रोज बोले, रोज बोले से लिख दीजिए आपके रोजा भाकर, रोजा भाकर, रोजा भाकर कहाँ पे है? रोजा भाकर आपके जालौर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये चोटियों की तीन ट्रिक्स है, इन तीन ट्रिक्स को याद कर लो, आपके चोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने चोटियां देखी, तो हमने देखा अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की, ये यहां पर छोड़ दीजिए, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई। तो दोस्तों अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई हमने देखी थी कहां पे है? सिरोही जिले में। क्यों?
तो दोस्तों आपकी सर्वोच्च जो आपके राजस्थान की प्रथम तीन सर्वोच्च चोटी है वो आपके किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। कौन कौन से है? गुरु शिखर है प्रथम, सिरोही जिले में स्थित है। शहर है दूसरी, वो भी आपके सिरोही जिले में स्थित है। दीलवाड़ा है, वो भी आपके सिरोही जिले में स्थित है। इसके अलावा अचलगढ़ भी आपके सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। ऋषिकेश है, ये भी आपके सिरोही जिले में स्थित है। यानी कि टॉप चोटी आपके सिरोही जिले में स्थित है, इसलिए अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो आपके सिरोही जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, ठीक है। ऊंचाई तो हमने देखी सिरोही जिले में, तो दोस्तों अरावली की जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपके प्रथम तो जिला है उदयपुर में, किसमें है सर्वाधिक विस्तार? उदयपुर जिले में। और दूसरा जिला है आपके राजसमंद में, प्रथम तो है आपके उदयपुर में और दूसरा है राजसमंद, ठीक है। तो प्रथम सर्वाधिक विस्तार तो आपके उदयपुर में है, उसके बाद है आपके राजसमंद में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। और यहाँ पे यहीं पे बात कर लेते हैं न्यूनतम विस्तार की, अरावली का जो न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? तो दोस्तों अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो आपके केंद्रीय भाग में है, और केंद्रीय भाग का जिला है आपके अजमेर। तो अरावली का न्यूनतम विस्तार है आपके किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। उसके बाद दोस्तों हमने देखी अरावली जो सॉरी राजस्थान की जो सबसे ऊपरी चोटी थी वो कौन सी थी? रघुनाथगढ़ शिखर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके अरावली की सर्वोच्च चोटियां और अरावली के बारे में परिचय। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अरावली के स्थानीय नाम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आप इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी चीजें यहीं पर लिखवा रहा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।